टॉपर ब्रेन्स में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर वन जो है द थ्री क्वेश्चंस लॉन्गमैन न्यू बुक का, लॉन्गमैन न्यू इमेजेस का, उसका हम लोग ग्रामर पार्ट करेंगे। हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स पहले भी कर लिया है, अपने चैप्टर को अगर रीड नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वैसे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। और उसका क्वेश्चन आंसर जो मैंने करवा दिए हैं उनका भी, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं और उसको नोट डाउन करके भी पढ़ सकते हैं। तो हम लोग इसमें ग्रामर पार्ट को पढ़ेंगे। बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था हमारे स्टूडेंट्स का कि ग्रामर पार्ट भी करना है, तो हम लोग ग्रामर पार्ट भी देखेंगे। सबसे पहले है वर्ड वर्ल्ड में हम लोगों को जानना है होमोनिम्स, होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स क्या है। तो ये बहुत ही आसान है, बस इसको थोड़ा सा समझना है, और बहुत यूज़फुल थिंग्स होता है ये सब इंग्लिश में। होमोनिम क्या होता है? अ होमोनिम इज़ अ वर्ड दैट इज स्पेल्ड लाइक अनदर वर्ड बट दैट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। होमोनिम वैसे शब्द होते हैं, वैसे वर्ड्स होते हैं, वैसे वर्ड्स को बोलते हैं जो स्पेलिंग में सेम होता है लेकिन उनका मीनिंग जो है वो डिफरेंट होता है। इसको ठीक हिंदी में, अगर हिंदी लैंग्वेज होगा आपका तो हिंदी में आप पढ़ते होंगे अनेक अर्थी शब्द, एक शब्द का अनेक अर्थ, एक ही शब्द रहेगा और उसके अनेकों अर्थ रहेंगे, बहुत सारे अर्थ रहेंगे, तो उसको ही बोलते हैं होमोनिम इंग्लिश में। ये देखिए एग्जांपल देखेंगे तो हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वर्ड है बैंक, सेकंड वर्ड भी है बैंक। तो बैंक बैंक देखो दोनों प्रोनंसिएशन तो देखो सेम ही है और स्पेलिंग भी सेम है, ठीक है। लेकिन पहला बैंक का मतलब क्या होता है? द साइड ऑफ अ रिवर, नदी के किनारे को हम लोग बैंक कहते हैं। और एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विसेज, इसको भी हम लोग बैंक कहते हैं, जहाँ पे हम लोग पैसे रखते हैं, पैसे विड्रॉ करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह के बैंक होते हैं। तो दोनों ही बैंक है, सुनने में तो दोनों ही बैंक है लेकिन दोनों का अर्थ जो है वो अलग है, दोनों का मीनिंग जो है वो अलग है। तो ऐसे शब्दों को होमोनिम बोलते हैं, ठीक है, जो सुनने में भी एक जैसा हो और उसका स्पेलिंग भी एक जैसा हो लेकिन मीनिंग डिफरेंट हो, तो ये होमोनिम हो गया। सेकंड एग्जांपल इसका दिया हुआ बार्क, दोनों ही बार्क वर्ड है, BARK। एक बार्क का मतलब होता है ट्री का जो आउटर कवरिंग होता है, पेड़ का जो छाल होता है उसको बोलते हैं बार्क, ठीक है। और एक बार्क होता है कुत्ता जो भौंकता है, लाउड साउंड मेड बाय अ डॉग, उसको भी बार्क बोलते हैं भौंकने को। तो दोनों ही बार्क है, स्पेलिंग भी सेम है लेकिन मीनिंग अलग है, अनेक अर्थ निकल गया, अनेक अर्थी शब्द, तो ये होमोनिम कहलाएगा। यहाँ भी ऐसे ही दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग होमोफोन के बारे में देखेंगे। रीड दिस पेयर्स ऑफ वर्ड्स, न्यू, KNEW न्यू और NEW न्यू, दोनों सुनने में अलग है लेकिन यहाँ पे क्या फ़र्क आ गया, यहाँ पे स्पेलिंग का फ़र्क आ गया। ये देखो ये KNEW है, यहाँ पे NEW, दोनों का स्पेलिंग अलग है लेकिन इससे पहले जब हम लोग देखे थे बैंक और बार्क में तो स्पेलिंग भी सेम था और प्रोनंसिएशन भी सेम था, यहाँ पे स्पेलिंग डिफरेंट हो गया, बाकी सब कुछ वैसा ही है, ठीक है। और मीनिंग भी यहाँ पे दोनों का डिफरेंट है, आप लोगों को पता होगा KNEW न्यू मतलब कोई चीज़ को जानना, मुझे पता था ऐसा, और न्यू मतलब नया, तो दोनों का मीनिंग अलग है, ठीक है, और सुनने में एक जैसा ही है न्यू लेकिन स्पेलिंग भी अलग है। तो जब स्पेलिंग अलग हो जाता है तो होमोफोन कहते हैं। देन राइट सुनने में तो दोनों सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है और मीनिंग भी अलग है। अ होमोफोन इज़ अ वर्ड दैट इज़ प्रोनंसिएट लाइक अनदर वर्ड बट हैज़ अ डिफरेंट स्पेलिंग और मीनिंग। मीनिंग तो डिफरेंट होगा ही, ऊपर वाले केस में जो हम लोग देखे होमोनिम में उसमें भी मीनिंग अलग था, इसमें भी मीनिंग अलग है, और लेकिन ऊपर वाले में होमोनिम में स्पेलिंग भी सेम था और यहाँ पे होमोफोन में स्पेलिंग अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये फ़र्क है, कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हुआ है जैसे पेल, PAIL, PALE और PAIL, ठीक है, दोनों सुनने में एक जैसा है लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है, ठीक है। एक पेल का मतलब होता है, PALE पेल का मतलब होता है फीकापन, लाइट कलर, जो पेल मतलब ख़राब दिखने लगता है, येलोइश कलर पेल हो गया।
और दूसरा PAILPL का मतलब होता है बकेट, ठीक है। तो सुनने में एक जैसा है लेकिन मीनिंग अलग है। देन नाइट, और नाइट स्पेलिंग यहाँ पे अलग है नाइट का, यहाँ भी स्पेलिंग अलग था। तो नाइट का मतलब रात होता है, और के नाइट GST नाइट का मतलब सेना, योद्धा, वो होता है सिपाही। फिर मेड, मेड का मतलब बनाना, और MAID मेड का मतलब नौकर चाकर, ठीक है। तो सुनने में एक जैसा है और स्पेलिंग भी अलग है और मीनिंग भी अलग है। तो जब स्पेलिंग अलग हो जाता है तब हम लोग उसको होमोफोन कहते हैं, और जब स्पेलिंग सेम रहेगा, स्पेलिंग जब सेम रहेगा तब हम लोग होमोनीम कहेंगे। तो यहाँ पे होमोफोन्स का एग्जांपल दिया हुआ है, और इसमें सेंटेंस बनाना है, फ्रेम सेंटेंसेस। तो पेल का सेंटेंस क्या होगा इसका, PALE, योर स्किन इज गेटिंग पेल, योर स्किन कलर इज गेटिंग पेल, ऐसा बोल सकते हैं। फ्रूट्स आर गेटिंग पेल, और इस पेल का मतलब क्या हो गया, जैसे बकेट्स को बोलता है ये पेल, ठीक है। तो पेल इज यूज्ड फॉर कंटेनिंग द वाटर, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद पेल इज ऑफ डिफरेंट साइजेस, PAIL पेल का बोल रहा हूँ, पेल इज ऑफ डिफरेंट साइजेस। नाइट, वी स्लेप्ट लास्ट नाइट, या वी यूजुअली स्लीप एट नाइट, राम स्लीप्स एट नाइट, ऐसा इजी सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिसमें मिस्टेक्स का कम चांसेस है। और KNIGHT नाइट का मतलब उसका योद्धा, ठीक है। द नाइट्स ऑफ द किंग, द नाइट्स ऑफ द किंग आर वेरी ब्रेव, ऐसे बोल सकते हैं। देन मेड, कॉबलर मेड अवर शूज। देन MAID, वी हैव टू मेड्स इन आवर हाउस। देन फ्ली का, फ्ली और फ्ली दोनों सेम सुनने में लग रहा है, स्पेलिंग अलग है लेकिन। तो एक फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, और ये फ्ली का मतलब होता है विद इंसेक्ट्स, कोई इंसेक्ट को कहते हैं जिसका पंख नहीं होता है। तो FLEE फ्ली मतलब भाग जाना, उसका आप कर सकते हैं कि प्रिजोनर्स फ्ली अवे, और इसका आप कर सकते हैं फ्ली का ऑल द फ्लीज आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पॉन्ड, ऑल द फ्लीज आर गोइंग टूवर्ड्स द पॉन्ड, ऐसा कर सकते हैं। सीम, ब्रेक। तो सुनने में एक जैसा है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। सीम का मतलब होता है ऐसा प्रतीत होता है, इट सीम्स टू बी लाइक अ पॉन्ड, है ना। सीम्स का मतलब ये पॉन्ड के जैसा लगता है। और SEAM का मतलब होता है कोई भी कपड़े पे कोई सिलाई का जो धागा होता है, कोई सिलाई का जो मार्जिन होता है, कोई सिलाई का जो क्रीज होता है सिलाई का, उसको ही SEAM कहते हैं, सीम। तो सीम आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर क्लोथेस। देन ब्रेक, और ब्रेक, ये ब्रेक हमारे गाड़ी का ब्रेक है। आवर कार हैज अ स्ट्रॉन्ग ब्रेक, और ये ब्रेक का मतलब आप कर सकते हैं वी कैन ब्रेक द डोर, ऐसा करके सेंटेंस आप इजीली अपने मन से भी बना सकते हैं। नाउ रीड दीज वर्ड्स, स्पेड, स्पेड जो होता है गार्डन का टूल होता है, गार्डन में मिट्टी खोदने के लिए स्पेड एक टूल होता है। और एक स्पेड क्या होता है, वन ऑफ द सेट्स इन पैक ऑफ कार्ड्स, जब हम लोग कार्ड्स देखते हैं गैम्बलिंग जो होता है जिसमें कार्ड्स खेला जाता है, किंग क्वीन जैक रहता है वो कार्ड्स, उस कार्ड में स्पेड भी रहता है, ठीक है। तो दो स्पेड, स्पेड का स्पेलिंग सेम है स्पेड का, ठीक है। तो इस दोनों का मीनिंग जो है वो अलग है। फिर ग्राउंड और ग्राउंड, एक ग्राउंड का मतलब हो गया सरफेस ऑफ द अर्थ, और एक ग्राउंड का मतलब हो गया ग्राइंड का फॉर्म, पास्ट फॉर्म, ठीक है। ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड मतलब पिसना, कोई चीज़ को ग्राइंड कर देना। तो यहाँ पे प्रोनंसिएशन डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे दो स्पेड का और ये स्पेड का प्रोनंसिएशन दूसरा है, यहाँ पे ग्राउंड, यहाँ पे ग्राउंड, ठीक है। तो ईच पेयर ऑफ वर्ड्स इज एन एग्जांपल ऑफ होमोग्राफ्स, ये होमोग्राफ्स है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोनंसिएशन डिफरेंट है। होमोग्राफ इज अ वर्ड दैट इज स्पेल्ट लाइक अनदर वर्ड बट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम इट एंड मे हैव अ डिफरेंट प्रोनंसिएशन, और प्रोनंसिएशन मे डिफर कर सकता है, ठीक है। तो बाकी जो होमोनीम और होमोफोन पढ़े ऐसा ही है,
सिर्फ इसमें क्या हो गया कि इसमें प्रोनंसिएशन जो है वो अलग हो सकता है। ठीक है, तो तीनों आप लोग समझ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोस का जो है वो नोटिस और नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाएगा। चूज द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स, पुट अ टिक मार्क। ऑल माई फ्रेंड्स लाइक द सेम काइंड ऑफ म्यूजिक दैट आई डू। यहाँ पे जो हाईलाइटेड वर्ड है काइंड, इसका दो मीनिंग दिया हुआ है। काइंड का दो मीनिंग होता है, एक तो होता है पर्टिकुलर टाइप और एक होता है केयरिंग। तो यहाँ पे कौन सा है वो आपको टिक करना है। ऑल माई फ्रेंड्स लाइक द सेम काइंड ऑफ म्यूजिक, सारे मेरे दोस्तों को एक ही जैसा म्यूजिक पसंद है जैसा कि मुझे है। तो एक जैसा मतलब एक पर्टिकुलर टाइप के बारे में बात हो रहा था, इसीलिए ये आंसर होगा। केयरिंग यहाँ पे नहीं होगा। केयरिंग का कैसे होगा, काइंड मैन जैसे होता है ना, कोई केयरिंग आदमी है वैसा। द थीफ जम्प्ड इनटू द कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ अ रोप। अब कंपाउंड का मीनिंग दो है, एक तो हो गया कंपाउंड मतलब टू मिक्स, और कंबाइन करने को भी कंपाउंड कहते हैं, और एक इनक्लोज्ड एरिया जो हमारे घर के पास जैसे गार्डन की तरह हम लोग बना करके रखते हैं, इनक्लोज करके दीवार दे करके पैक करके, उसको कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पे ये कंपाउंड होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि चोर जो है वो कंपाउंड में जंप कर दिया। तो कैसा कंपाउंड, इनक्लोज्ड एरिया जो है हमारा आंगन के जैसा, उसको ही बोलते हैं। माय मदर आस्क्ड द शॉपकीपर टू गिव अ डिसेंट डिस्काउंट। मेरी मदर ने शॉपकीपर को कहा कि थोड़ा छूट दे दे, अच्छा छूट दे दे, डिस्काउंट दे दे। तो डिस्काउंट मतलब एक तो हो गया रिडक्शन इन प्राइस, प्राइस का कम कराना, और दूसरा मतलब है टू थिंक और से दैट समथिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट और ट्रू, और दूसरा मीनिंग है कि जो सही नहीं है वो कहना। तो यहाँ पे तो रिडक्शन इन प्राइस के लिए बोल रहा है, तो ये आंसर होगा। शी हैड टू पे अ फाइन फॉर जंपिंग द सिग्नल। उसको सिग्नल जंप करने के लिए, सिग्नल तोड़ने के लिए उसको फाइन भरना पड़ा। फाइन मतलब मॉनिटरी पैसा देना पड़ा। तो फाइन का मतलब क्या होता है, एक गुड होता है। जैसे हम लोग पूछते ना हाउ आर यू, तो वो बोलता है आई एम फाइन। तो फाइन का मतलब गुड, एक तो फाइन का मतलब गुड होता है, और एक फाइन का मतलब पैसा भरना होता है, जुर्माना भरना होता है। सम ऑफ मनी दैट मस्ट बी पेड एज पनिशमेंट फॉर ब्रेकिंग अ लॉ और रूल। जब हम लोग रूल ब्रेक करते हैं, जब हम लोग लॉ ब्रेक करते हैं, तब हम लोगों को फाइन भरना पड़ता है। तो ये वाला करेक्ट होगा। यहाँ पे C1 में है आर्टिकल और प्रीपोजिशन। आई होप कि आपको पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। आर्टिकल्स आप लोग पढ़े होंगे। ए एन दी को आर्टिकल बोलते हैं। कहाँ पे ए एन लगता है, कहाँ पे द लगता है, वो हम लोग यहाँ पे थोड़ा देख लेंगे। देर वॉज अ लार्ज वुंड ऑन हिज स्टमक। एक उनके पेट में, उसके पेट में एक बहुत ही बड़ा वुंड है, घाव है। ए यहाँ पे लग रहा है। द किंग विश्ड वंस मोर टू बेग एन आंसर टू द क्वेश्चंस ही हैड पुट। A and an are known as indefinite articles because they do not talk about any particular person, place, animal or thing. ये जो a है और an है, ये कोई भी particular person या place या animal और thing को denote नहीं करता है, इसलिए इसको बोला जाता है indefinite। ये definitely किसी को point नहीं करता है। जैसे कि हम लोग जैसे बोलते हैं प्लेस को ही बोल लेते हैं, कोई भी प्लेस का जगह है तो वहाँ पे एन या ए लगाते हैं, तो वो पर्टिकुलरली हम लोग उसको नहीं बोलते, पूरे को बोलते हैं। जैसे कोई एनिमल है जैसे डॉग, तो बोलते हैं अ डॉग इज़ रनिंग। जब हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग ये नहीं बता रहे हैं वहाँ पे कि कौन सा पर्टिकुलर डॉग रन कर रहा है। बाहर में बहुत सारे डॉग हो सकते हैं, हम लोग बोल रहे हैं अ डॉग इज़ रनिंग, अ डॉग इज़ ईटिंग, बट वी आर नॉट कन्फर्मिंग दैट विच डॉग इज ईटिंग एंड विच डॉग इज रनिंग। तो यहाँ पे डेफिनेटली हम लोग नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए ये इनडेफिनिट है। ठीक है, ए और एन जब यूज होता है तो वो इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहलाता है, क्योंकि वो पर्टिकुलरली कोई कुत्ते को या कोई बिल्ली को नहीं कह रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग द यूज करते हैं, द डॉग इज प्लेइंग, उसको फिंगर पॉइंट करके ऐसे बोल रहे हैं, द डॉग इज प्लेइंग विद अस, मतलब कि वह पर्टिकुलर डॉग, वह पर्टिकुलर कुत्ता हमारे साथ खेल रहा है। तो हम लोग डेफिनेट उसको ये कर रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं कि यही डॉग है,
द लगा रहे हैं जब, तो इसको इसीलिए डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं द को। द इज रेफर टू एज डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक और अ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग। एकदम पर्टिकुलर पर्सन को फिंगर पॉइंट कर रहा है। द द ताजमहल, ठीक है, द दिल्ली, दिल्ली सिटी, ठीक है, एनिमल द डॉग। तो हम लोग जब पर्टिकुलरली जब उसको फिंगर पॉइंट कर रहे हैं, स्पेसिफिकली उसको जब बोल रहे हैं, स्पेशली उसको जब बोल रहे हैं, तब हम लोग द लगाते हैं, और जब द लगाते हैं तो डेफिनेट आर्टिकल उसको कहलाया जाता है। रीराइट करने के लिए यह कहा गया है करेक्ट करके, फ्रेंच इज नॉट एन ईजी लैंग्वेज, क्योंकि ए और एन लगाना है तो ए और एन जो है वो वोवेल से पहले लगता है, वो हम लोग पढ़े हुए हैं पहले से। मून इज शाइनिंग इन द स्काई, स्काई जो है हम लोग पर्टिकुलरली बोल रहे हैं स्काई को, कि उस स्काई में मून शाइन कर रहा है, तो यहाँ इसीलिए यहाँ पे द लगेगा। दिस इज द बेस्ट ऑफ, दिस इज अ, यहाँ पे अ नहीं होगा, दिस इज द बेस्ट ऑफ दिस इज अ बेस्ट ऑफ लक, दिस इज अ बेस्ट ऑफ लॉट, दिस इज द बेस्ट ऑफ अ लॉट, ठीक है, दिस इज द बेस्ट ऑफ अ लॉट। आई होप टू बी एन एक्टर, काइंडनेस अ काइंडनेस, द काइंडनेस दैट ही शोड, द काइंडनेस दैट ही शोड वॉज ट्रूली टचिंग। आई मेट एन इंडियन होगा यहाँ पे, अ नहीं होगा, आई मेट एन इंडियन, यहाँ पे द नहीं होगा, यहाँ पे अ होगा, एन होगा, क्योंकि हम लोग कोई हम लोग यहाँ पे कोई एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि मैं कोई एक इंडियन से मिला हूँ, तो आई मेट एन इंडियन एट एन यूनिवर्सिटी इन इन द कनाडा, यहाँ पे द नहीं होगा, इन कनाडा, यहाँ पे द नहीं होगा, इन कनाडा। आई मेट एन इंडियन एट एन यूनिवर्सिटी इन कनाडा। नाउ रीड दिस सेंटेंसेस, व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेल फेंटिंग ऑन द ग्राउंड मॉर्निंग फीवली, ही स्लेप्ट ऑल थ्रू द शॉर्ट समर नाइट। द हाईलाइटेड वर्ड्स आर प्रीपोजिशंस दैट आर प्लेस्ड बिफोर नाउन्स और प्रोनाउन्स टू शो देयर रिलेशनशिप विथ सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। यहाँ पे प्रीपोजिशन का बात हो रहा है, प्रीपोजिशन जो है वो रिलेशन को स्थापित करता है, वो रिलेशन को सेट करता है, ठीक है, नाउन प्रोनाउन इनमें। तो ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स है ये प्रीपोजिशन है, और ये सब जो है नाउन के पहले और प्रोनाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले लगाया गया है ताकि रिलेशनशिप बन पाए। वो कैसे हुआ, देखो ऐसे, ही स्लेप्ट ऑल थ्रू द शॉर्ट समर नाइट, उसने सोया पूरा शॉर्ट समर नाइट को, लेकिन यहाँ पे थ्रू लगाया तभी पूरा हो रहा है वो। ही स्लेप्ट ऑल थ्रू द शॉर्ट समर नाइट। रीड दिस टेबल टू लर्न अबाउट सम कॉमनली यूज्ड प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जब जगह का प्रीपोजिशन हम लोग लिखते हैं, लेते हैं तो इन लेते हैं, ऑन लेते हैं, ठीक है, एट लेते हैं, अमोंग, बिहाइंड। एग्जाम्पल यहाँ पे है, माई बैग इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है, प्रीपोजिशन जो है वो ऑन है, तो ऑन लगा तभी तो ये नाउन जो है, ये बैग जो है, ये नाउन जो है, ये दोनों के बीच में रिलेशन बना कि नहीं बना ऑन लगाने पे। अगर यहाँ पे ऑन नहीं लगाएंगे तो कैसे हम लोग रिलेशन बनाएंगे इस बैग का और इस टेबल का, नहीं बना सकते। तो ऑन लगाएं, ऑन क्या है, एक प्रीपोजिशन है जगह का, प्रीपोजिशन को लगाएं तो ये रिलेशन बन गया बैग और टेबल का, माई बैग इज ऑन द टेबल। किरण इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हर फादर, किरण जो है अपने फादर के जस्ट बाजू में खड़ी है या खड़ा है।
नेक्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम में ड्यूरिंग यूज़ होता है, फॉर यूज़ होता है, फ्रॉम यूज़ होता है, टू, एट, इन, ऑन, टिल, फ्रॉम, अनटिल, विद इन, ठीक है। द ट्रेन अराइव्ड एट 4 o'clock, अराइव्ड एट 4 o'clock, ठीक है। वी विल मीट ऑन मंडे, हम लोग मंडे को मिलेंगे, ट्रेन जो है 4 बजे आ गई। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, थ्रू, अक्रॉस, अराउंड, ये सब डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है। आई वॉक्ड थ्रू द जंगल, मैं जंगलों से गुजर कर गया। ही स्वॉम अक्रॉस द रिवर, उसने पूरे रिवर को तैर करके क्रॉस किया, ठीक है। जब क्रॉस किया तो अक्रॉस लग रहा है। यहाँ पे दिया हुआ कुछ पॉइंट्स, अ प्रीपोजिशन इज यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन जो है वो नाउन और प्रोनाउन के पहले ही लगता है, विच इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय वॉज हाइडिंग अंडर द बेड, देखो बेड जो है वो नाउन है, नाउन से पहले लग गया यहाँ पे। अभय गेव एन ऑरेंज टू हिज सिस्टर, यहाँ पे टू लगा है। इन एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब जो क्वेश्चन मार्क वाला रहता है। अ प्रीपोजिशन इज ऑफन प्लेस्ड बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन, हु, हूएवर, होम, ये सब। Which, when, where, and whose, a preposition can also be placed at the end of the interrogative sentence. End में भी डाल सकते हैं और पहले में भी डाल सकते हैं। On which floor is your apartment? Where do you come from? यहाँ पे from use हो रहा है last में, यहाँ पे starting में use हुआ। On, in a statement, a preposition can be placed before the relative pronoun. Statement में preposition can be placed relative pronoun के पहले, और एट द एंड ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल, द पर्सन विथ होम ही इज टॉकिंग इज माई बॉस, जिस पर्सन से वो बात कर रहा है वो मेरा बॉस है। द पर्सन होम ही इज टॉकिंग टू इज माई बॉस। इन इनफॉर्मल स्पीच अ प्रीपोजिशन ऑफन कम्स आफ्टर इट्स ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बॉटल आई वॉज लुकिंग फॉर, यही वो बॉटल है जिसके लिए मैं देख रहा था, जिसको मैं ढूंढ रहा था। इनफॉर्मल स्पीच में या प्रीपोजिशन हमेशा जो है वो कब आता है, आफ्टर इट्स ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बॉटल जो है इसका ऑब्जेक्ट था, बॉटल के बाद ही आ रहा फॉर। दैट इज द ओमन आई वॉज रेफरिंग टू, तो ओमन यहाँ पे जो है उसके बाद जो है टू को यूज कर रहा है ऑब्जेक्ट के बाद। और यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा करके फिलअप किया गया है। दिस पैसेज इज फ्रॉम अ नोवल बाय जैन ऑस्टिन। आई फाउंड अ 2 rupee कॉइन इन माई पॉकेट। वेयर डिड हीज ड्रेस कम फ्रॉम, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है जैसा अभी बताया हम लोग। क्वेश्चन मार्क वाला जो है वो इंटरोगेटिव है, उसमें एंड में लग रहा है प्रीपोजिशन। द रेसिडेंट्स ऑफ locality informed the police that a stranger had been sitting in the Central Park since morning. That is the book I was looking for. I hope कि आपको chapter अच्छा लगा होगा। एक like जरूर कर दीजिएगा friends। इसके बाद है perfect pronunciation के लिए vowel digraphs। Vowels के बारे में आपको पता होगा, वॉवेल्स के बारे में। ये वीडियो यहाँ पे एंड होता है, और एंड होने से पहले यहाँ पे एक टाइम टेबल, मेकिंग ए टाइम टेबल का इम्पोर्टेंस भी दिया हुआ है कि टाइम टेबल बनाने से हम लोग कैसे टाइम को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं और अच्छे से अपने एक्टिविटीज़ को, डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, टाइम टेबल का भी मैंने वीडियो बना रखा है, आपको लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।